सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल aceuplife को, दबाइए बेल आइकॉन और पाइए लेटेस्ट वीडियोस की जानकारी। नमस्कार, आज मेरे इस चैनल पर मेरे साथ हैं अरुण पाठक, सदस्य विधान परिषद MLC कानपुर उन्नाव स्नातक क्षेत्र से। आइए उनसे बात करते हैं, कुछ तीखी कुछ मीठी, श्रीमान अरुण पाठक जी से। अरुण जी, आप विधान परिषद के सर्वाधिक युवा सदस्य, आप राजनीति में कैसे हैं? आप शिक्षक थे, ये शिक्षक से पॉलिटिशियन का टर्न अराउंड कैसे हुआ? क्योंकि जैसा मुझको मालूम है, आप डायनेस्टी पॉलिटिसी से नहीं, आपके परिवार में कोई भी सदस्य सक्रिय राजनीति में कभी नहीं रहा। बात सही है कि मैं पॉलिटिशियन हूं और एक शिक्षक पॉलिटिशियन भी हो सकता है जी। तो मैं 4.5 साल पहले सबसे कम उम्र का था वहां पर, लेकिन अब मुझसे भी हमारे छोटे भाई और युवा विधायक विधान परिषद के सदस्य उपस्थित भी हैं और हैं। मैं चूंकि राजनीति को मैं मानता हूं कि ये एक सेवा का माध्यम है, तो मेरे परिवार में मेरे पूज्य पिताजी स्वर्गीय रविंद्रनाथ पाठक जी, मेरे भाई, मेरे बाबा और मेरी बुआ, ऐसे बहुत सारे लोग थे जो सामाजिक कार्यों को किसी न किसी माध्यम से किया करते थे, किसी संगठन के माध्यम से, किसी एनजीओ के माध्यम से। तो एक सामाजिक वातावरण, समाज के लिए काम करना है, ऐसा अच्छा वातावरण मेरे परिवार में शुरू से था। राजनीति भी एक सेवा का माध्यम हो सकता है, ऐसा मेरे मन में लगभग जब मेरी उम्र 43 साल हो गई थी, 40 साल हो गई, तो मेरे मन में आया था और इस चुनौती को मैंने स्वीकार किया। लोग कहते थे कि राजनीति बड़ा कठिन लग रहा है, लेकिन मेरा मानना है कि ईमानदारी के साथ काम किया जाए, लोग आपको स्वीकार भी करते हैं और आपकी ईमानदारी को और आपके अच्छे कार्यों को भी स्वीकार करते हैं। मैं राजनीति को और सामाजिक कार्यों को के बीच में बहुत हल्की लाइन को देखता हूँ, एक दूसरे के पूरक भी हैं। कोई भी सामाजिक काम करने वाला आदमी राजनीति कर सकता है और कोई भी राजनीति करने वाला व्यक्ति सामाजिक काम भी कर सकता है। जिन तकलीफ लोगों ने राजनीति को किसी अन्य कार्य के लिए मर दिया है, उस मिथक को तोड़ने के लिए इस कानपुर में एक ऐसा बड़ा परिवार, इसको लोग शिक्षा के माध्यम से कुछ भी कर सकता था, कोई ऐसा शिक्षा माफिया के रूप में लोग जानते थे, और जो लगातार आजादी के पहले उसके बाद भी सीट पर खाली, तो मुझे लगा कि ये वंशवादी परंपरा को तोड़ना चाहिए और लोकतंत्र में, लोकतंत्र के रूप में एक परिभाषित MLC को आना चाहिए। मैंने ये बीड़ा लोगों के माध्यम से उठाया। मैं जो कुछ भी हूँ, मैं अपने केवल अपनी कार्यक्षमता के कारण नहीं, मैं हजारों हजार लोगों के प्यार, स्नेह और सहयोग के कारण हूँ जो मुझे मिला। और मैं ये कह सकता हूँ कि साधारण परिवार का भी, जैसे कोई देश में चाय बेचने वाला भी प्रधानमंत्री बन सकता है, उसी प्रकार से कोई साधारण शिक्षक भी हो या कोई साधारण व्यक्ति भी, वो राजनीति में वो सब कुछ कर सकता है जो राजनीति में एक मिथक, एक आश्चर्य घटना हो। इसलिए मैं आपकी इस बात से विश्वास नहीं रख पाऊँ कि शिक्षक होने के बाद राजनीति में कैसे आगे, कोई अचंभे का विषय है, देश का इतिहास रहा है। शिक्षकों ने राजनीति को नई दिशा दी है और आवश्यकता भी पड़ी तो राजनीति को लागू करने की सोची। चाणक्य के माध्यम से ये उदाहरण समझा गया, बहुत सारा गुरु रामदास का भी उदाहरण और बहुत सारे सब। अरुण जी, आपका नाम मिथक तोड़ने के लिए माना जाता है, आपने इस सीट पर 99 साल का एक रिकॉर्ड तोड़ा है और इस कानपुर की राजनीति में आपको युवाओं का एक चेहरा माना जाता है। जो आजकल का युवा है उसको राजनीति की मुख्य धारा में लाने के लिए क्या कोई हम विचारधारा दे सकते हैं, कोई उनको गाइडलाइन दे सकते हैं, या इन युवाओं का राजनीति में कोई स्कोप आप देखते हैं आगे चलते? राजनीति में मैं युवाओं की भागीदारी निश्चित रूप से होनी चाहिए और मैं ये आश्वस्त हूं कि आज का युवा 4G और 5G जनरेशन का युवा है, वो सतर्क है
और एक वो पीढ़ी इस भारतवर्ष में है जो सामाजिक रूप से भी बहुत सक्रिय है, जो विचारधारा के रूप से भी बहुत सक्रिय है, बहुत रिच है, और जिसके अपने व्यू है, उसके ऊपर कोई विचारधारा थूक भी नहीं कर सकती। मैं बहुत आश्वस्त भी हूं। और एक बात आपने सुना होगी कि मैंने 99 साल का मिथक तोड़ा, मैंने नहीं तोड़ा, इस कानपुर की जनता ने तोड़ा, उन्नाव की जनता ने तोड़ा, कानपुर देहात की जनता ने तोड़ा। ये इस बात का उत्तर भी और परिचायक भी है कि यहाँ का हमारा भारतवर्ष का लोकतंत्र अब एक परिपक्व लोकतंत्र की ओर आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल, जब 1947 में हमने लोकतंत्र को अडॉप्ट किया तब उसकी मेच्योरिटी अलग प्रकार की थी और आज उसकी मेच्योरिटी अलग प्रकार की है। इस मेच्योरिटी में, इस परिपक्वता में युवाओं का बहुत योगदान था, है और रहेगा। ये इस बात से भी प्रदर्शित होता है कि कोई भी भारतवर्ष में बड़ा आंदोलन हुआ है वो बिना युवाओं के संभव ही नहीं था, चाहे वो इमरजेंसी के खिलाफ आंदोलन हो, चाहे वो मोदी जी को अपने प्रचंड बहुमत से जिताने का बहुमत हो। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने तो एक दिशा भी तय की है कि युवाओं के लिए केवल लड़ना भिड़ना नहीं, चाहे वो स्वच्छता के माध्यम से हो, चाहे जल संरक्षण के माध्यम से हो, और चाहे किसी की सेवा के माध्यम से भी हो, युवाओं के लिए सामाजिक क्षेत्र में और राजनीतिक क्षेत्र में दोनों हिस्सों में बराबर की पूरी रास्ते खुले हुए हैं। आपने एक शब्द का उपयोग किया कि क्या कोई स्कोप है, तो स्कोप मैं कहूँगा है ही नहीं, लगातार पूरी फील्ड खुली है। तो मेरा निवेदन भी है आपके इस चैनल के माध्यम से कि अच्छे युवाओं को भी, पढ़े लिखे नौजवानों को भी, हमारी बहनों को भी राजनीति के क्षेत्र में जरूर आना चाहिए। जहाँ जहाँ अच्छे लोग रहते हैं वो क्षेत्र स्वतः अपने आप अच्छा हो जाता है। यदि थोड़ी बहुत कुछ कमी राजनीतिक क्षेत्र में है भी, जब अच्छे युवा आएंगे तो वो उनके स्थान को भरेंगे, तो वहाँ की गंदगी जो थोड़ी बहुत है वो हटेगी और अच्छे लोगों की भरपाई होगी। बहुत अच्छा आपने कहा कि अच्छे लोग ही अच्छाई बांट सकते हैं। अगला प्रश्न है आपसे, पिछले 10-15 सालों में सामाजिक परिवेश बहुत तेजी से बदला है और एक बहुत बड़ा संकट युवाओं के सामने इस समय खड़ा हुआ है, वह रोजगार। जो लेटेस्ट रिपोर्ट है वो ये कहती है कि 6.1 टोटल अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, ग्रेजुएट नॉन ग्रेजुएट टेक्निकल नॉन टेक्निकल सब मिलाकर। ये बड़ी भयावह स्थिति समाज के सामने आ रही है। अरुण जी, आप सत्ता का हिस्सा, पंचायत से लेकर प्रदेश और प्रदेश से लेकर केंद्र, सब जगह भाजपा की सरकार है, इस विषय में क्या कोई सरकार के समाधान के आगे कुछ सुझाव हैं आप देंगे? नहीं, मैं देता भी हूँ। और मैं सबसे पहले आपकी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने प्रमुख समस्या जो देश की इसको उठाया भी है, रखा भी है। और ये समस्या इन 2-4-5 वर्षों की नहीं है, ये समस्या मेरा मानना है कि पीछे जो सरकारें रही उनका आगे की दूरदर्शिता में कुछ ऐसा अभाव रहा योजना बनाने में, जो आज हमको इतनी भयावह स्थिति दिखाई पड़ती है। मेरा मानना है कि नौकरी पाना और नौकरी देना ये दोनों एक दूसरे के पूरक भी हैं, इसलिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने स्टार्टअप योजना के तहत बहुत सारे ऐसे नए क्षेत्र चुने और उसमें युवाओं के कौशल को उनकी मंशा के अनुरूप विकसित हो, वो स्वावलंबी बने और अपना काम शुरू करें। जब अपना काम शुरू करेंगे तो एक तो उनको रोजगार मिलेगा और वो 5 लोगों को रोजगार दे भी पाएंगे। सरकार की कोई सीमाएं होती, उस सीमा के बाहर कोई रोजगार दे भी नहीं सकती है। और विश्व के ऐसे बहुत सारे देशों का उदाहरण मेरे पास है जहां पर सरकार ने बीड़ा उठाया और बाद में सरकार वहां पर टूटी भी। हमारे भारतवर्ष में आदरणीय मोदी जी ने, चाहे वो पर्यटन का क्षेत्र हो, चाहे वो रोजगार में छोटे रोजगार हो, बढ़ई हो सकता है, प्लम्बर हो सकता है, सिलाई की बहनें सिलाई कर सकती है, ऐसे बहुत सारे लगभग 800 प्रकार के ऐसे कौशल विकास के योजनाएं शुरू की, उसके ऐसे क्षेत्र निकाले जिसमें युवा अपनी मनमर्जी के खिलाफ या अपनी मनमर्जी के अनुसार जा सकता है और खुद भी रोजगार पा सकता है और 4 लोगों को रोजगार दे भी सकता है। मुझे लगता है सही विकल्प भी यही है बेरोजगारी दूर करने का। सरकार की अपनी सीमाएं हैं, सरकार में कुछ लाख लोगों को नौकरी दी जा सकती है, तो उसके बाद
जब तक युवा अपने पैर नहीं उठेगा ये रोजगारी की समस्या दूर नहीं होगी। सरकार इस पर काम कर रही है। स्टार्टअप योजना के तहत पूरे देश में संजय केंद्र खुले हैं, चल रहे हैं, हार्डवेयर वगैरह वगैरह बहुत सारे ऐसे काम चल रहे हैं, लेकिन जो चल रहे हैं उसमें और तेजी की आवश्यकता है, जो चल रहे हैं उसमें संख्या की और ज्यादा आवश्यकता है। सरकार ने संसाधनों के तहत कर भी रही है, करेगी भी। केंद्र की सरकार ने संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना प्रारंभ की है, राष्ट्रीय कौशल विकास योजना प्रारंभ की है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए स्टार्टअप योजना प्रारंभ की है, नेशनल कैरियर सर्विस प्रारंभ की है, और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी सूर्य मित्र योजना यूपी नेडा के माध्यम से प्रारंभ की है, मुख्यमंत्री स्वराज योजना प्रारंभ की है, और मुद्रा योजना के तहत नए काम के लिए कुछ लोन मिल पाए उसके लिए भी सरकार ने मुद्रा योजना लाई है। सरकार ने इस तरह से प्रयास कर रही है, और आपका जो आंकड़ा है वो आंकड़ा अगली बार जब सम्मिलित और दुरुस्त हो, अच्छा हो, लोगों को रोजगार मिलेंगे, मिल रहे हैं, और पीछे 5 वर्षों में जितने रोजगार मिले हैं वो अन्य 50 वर्षों की योजना उसका अनुपात बहुत ज्यादा रहा है। मैं आश्वस्त हूँ कि भारत विकसित देश की ओर जिस प्रकार से आगे बढ़ रहा है उसके सबको न्याय मिलेगा और सबका साथ सबके विकास के आधार पर लोगों को प्रोत्साहित मिलेगा। इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल जो कानपुर की बंद महिला है उनको लेकर है, वो भी कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है। आज कानपुर का पढ़ा लिखा व्यक्ति, चूंकि आप स्नातक के रहे हैं, वो व्यक्ति बाहर जा रहा है रोजगार करने, बाहर जा रहा है, दिल्ली NCR जा रहा है और वहां 10-10, 15-15 हजार की नौकरी कर रहा है, जबकि भारत का मैनचेस्टर कहे जाने वाले कानपुर में जो 90 के दशक में 12-15 फैक्ट्रियां थी आज की तारीख में सब बंद है। क्या इन फैक्ट्रियों से संबंधित या कानपुर में कोई नए रोजगार के केंद्र खुले ऐसी कोई योजना केंद्र की या प्रदेश सरकार की है? मैंने पहले भी आपको कई सारी योजनाओं के नाम गिनाए हैं, और मेरा फिर कहना है कि जो फैक्ट्रियां थी उसमें पूर्व सरकारों की जो नीति होनी चाहिए थी वो नीति ठीक नहीं थी। जब तकनीक परिवर्तित हो रही थी तब उन फैक्ट्रियों में तकनीक परिवर्तित नहीं की गई, जिससे वहाँ के उत्पादन का जो कास्टिंग थी वो कास्टिंग इतनी ज़्यादा रहने लगी कि वो इस संघर्ष युक्त बाजार में कहीं स्टैंड नहीं कर पाई और विले बंद भी हुई। सरकार की नीति है कि हम, चूंकि सरकार जो भी एम्प्लॉयमेंट में पैसा देती, पैसा लगाती है, उनके लिए कहीं जनता के टैक्स का दिया हुआ पैसा होता है और उसको केवल कुएं में नहीं फेंका जा सकता, इसलिए कि हमको ये फैक्ट्री चलानी है, फैक्ट्री लाभ पर चले, लोगों को रोजगार मिले, अच्छा उत्पादन हो, अच्छी मांग हो। उदाहरण के रूप में मैं यहाँ पे लाल इमली की बात करता हूँ जिसका उन्होंने पूरे विश्वविख्यात था, परंतु सर उस समय के लोगों द्वारा तकनीक चेंज ना करने के कारण आज वही आप उत्पादित ऊन की कीमत बाजार में उपस्थित जो अन्य फैक्ट्रियों से ऊन आ रही है उससे लगभग डेढ़ है। तो कोई भी बाजार का जो बाजार का एक फिट और सर्वाइव का जो नियम होता है उसमें नहीं ठीक से उतर पा रही थी। सरकार की मंशा भी है, और अब चीजें ग्लोबल हो गई, जहां व्यक्ति को जो चीज अच्छी मिलती वहां पर वो जाकर रोजगार अपना स्थापित करता है। पहली बार उत्तर प्रदेश सरकार ने 2 इन्वेस्टर सबमिट की, जी उसमें करोड़ों रुपए के एमयू साइन हुए, उन्होंने यहाँ पर आने का माहौल बनाकर तैयार किया एमयू जी ने, सुरक्षा का लोग आ रहे हैं, और कोई भी इंडस्ट्री को सेटअप होने के लिए महीने 2 महीने का समय नहीं लगता है, सालों का समय लगता है। जो आज हो रहा है उसका इम्पैक्ट 2 साल बाद दिखाई पड़ेगा, और जो 2 साल बाद होगा उसका इम्पैक्ट आगे 2 साल बाद दिखाई पड़ेगा, लेकिन जल्दी हम देखेंगे कि हमारे युवाओं की जो प्रतिभा है वो कानपुर नहीं रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश में है, उसका उपयोग हो पाए। और योगी सरकार ने तो एक जनपद एक उत्पाद की योजना भी प्रारंभ की कि एक जनपद एक पर्टिकुलर उत्पाद के लिए बहुत मनमाफिक है कि अलीगढ़ में यदि ताले बनते हैं तो उसको ताले के लिए ही तो हम उसको अच्छे प्रकार से उत्पादित करें, कानपुर चमड़े के लिए है तो हमें चमड़े के चीज को क्यों ना विकसित करें, ऐसा एक योजना भी चलाई, उसका बहुत अच्छे रिस्पॉन्स आ रहे हैं। कई जिलों में ऐसा आंकड़े आ रहे हैं कि वहाँ पर जो पलायन था वो रुक गया है और बेरोजगारी की समस्या का बेहतर बंद लोगों को काम मिला है। मैं समझता हूँ कि इस हिसाब से उत्तर प्रदेश और कानपुर में एक नया औद्योगिकीकरण का माहौल
पैदा हो, ये हम सब शुभकामना भी देते हैं आपको। राजनीति ये कहा जाता है कि बहुत महंगा सौदा है, चुनाव लड़ने में लाखों करोड़ों रुपया खर्च होता है, इस पर आप कुछ कहेंगे? नहीं, मेरा इसमें आपसे निश्चित रूप से विरोध है, क्योंकि राजनीति एक सौदा नहीं है, राजनीति एक सेवा है, और सेवा में किसी प्रकार का कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होता, सेवा मन से सेवा दिल से सेवा अपने आगे जो सीमित संसाधन उनसे की जाती है, और बहुत से ऐसे आपको उदाहरण मिल जाएंगे जो राजनीति में आर्थिक रूप से सत्ता छीना रहे हो, लेकिन वो उन्होंने राजनीति की बहुत ऊंची ऊंचाइयों को छुआ है। हाँ, कुछ ऐसे तथाकथित दल हो सकते हैं, लोग हो सकते हैं जो पैसे लेकर टिकट देते हो, पैसे लेकर चुनाव लगाते हो, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे गर्व है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का संसदीय पार्षद हूँ, और यहाँ पर कार्यकर्ता या विचारधारा इसको लेकर हम सब समाज के बीच में जाते हैं, और बिना पैसे के खर्च किए आप राजनीति में उन ऊंचाइयों को छू सकते हैं। सेवा के भाव से शब्द यही कि आपके अंदर सेवा का भाव होना चाहिए, और उन आपकी यदि अंदर सेवा का भाव है तो महात्मा गांधी ने भी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया था, लोगों ने महात्मा गांधी ऐसे बहुत सारे उदाहरण मैं बता सकता हूँ, हमारे लोहिया जी उसमें थे, पीछे के वर्तमान के बहुत सारे ऐसे हमारे योगी जी भी हैं, और कई मुख्यमंत्री कई प्रधानमंत्री ऐसे हुए हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, कोई इन्वेस्टर नहीं थे, और मेरा मानना कि यदि राजनीति में सौदा होता पैसे का तो इस देश का प्रधानमंत्री कोई इंडस्ट्री वाला होता, कोई ऐसा पैसे वाला होता जिसके पास हजारों करोड़ रुपए होते, इस देश की जनता हमारे लोकतंत्र को परिपक्व है, जानता है कौन वोट खरीद रहा है, कौन वोट मांग रहा है, और किसे हमें वोट देना चाहिए। मैं सलाम करता हूँ इस देश की जनता को, इस प्रदेश की जनता को, इस जनपद की जनता को, जो सही लोगों को सही प्रकार से चुनने के लिए वास्तव में सच्चा लोकतंत्र यही है। कानपुर के ट्रैफिक के बारे में, जितना बदनाम शायद कानपुर का ट्रैफिक है, उतनी बदनाम गंदगी भी नहीं है, एक बहुत बड़ी समस्या है, और उस समस्या से हम सब रोज रूबरू होते हैं। ये शहर को चीरती हुई जो एक रेलवे लाइन जाती है, इसके कारण जो जाम लगता है, क्या इस लाइन को शिफ्ट कराने का, जो अपने दो स्टेशन है अनवरगंज और गोविंदपुर, इनको कुछ डेवलप कराने का, इस संबंध में आपने कोई प्रयास या कोई प्रस्ताव किया है? ये कई बार योजना इस प्रकार की आ चुकी है कि इस रेलवे लाइन बिहार से हटना चाहिए, कई बार ऐसा ही इसका डीपीआर भी बना है, इसका डीपीआर बन भी रहा है, इसकी क्या इसमें बेस्ट ऑप्शन हो सकता है ये भी हो रहा है, और मेरा मानना है कि हम लोग कानपुर को स्मार्ट सिटी बनाना चाहिए जी। स्मार्ट सिटी कभी संसाधनों से नहीं मिलती है, स्मार्ट सिटी उस सिटी में लोगों जो लोग रह रहे हैं उनके स्मार्ट होने से स्मार्ट सिटी। बिल्कुल, कोई देशभक्त किसी देश की जनता को बनाना हो तो वहाँ के हथियारों से वहाँ पर लेखन से नहीं बनता, जब उस देश के लोगों की विचारधारा देशभक्त होती है तो लोग बनती है। मेरा गुजारिश है कि ट्रैफिक की समस्या हो सकती है, पुरानी जगह जब आज से 100 साल पहले इस शहर का विकास हुआ था, जो क्षेत्र बने थे वहाँ पर आगे के 100 सालों के लिए ट्रैफिक व्यवस्था का आकलन किया गया था, वो शहर उससे भी पुराना हो गया, क्षेत्र में ट्रैफिक की समस्या हो सकती है, लेकिन मेरा मानना है कि हम स्मार्ट कानपुर बनाने वाले हैं, इसलिए कानपुर के लोगों को भी स्मार्ट बनना होगा। स्मार्ट का मतलब मेरा यहाँ ये है कि हमको ट्रैफिक नियमों का पालन करना होगा, हमको ट्रैफिक के संकेतों का पालन करना होगा, और यदि हमारे एक मिनट या आधे मिनट रुकने से ट्रैफिक अच्छा चलने वाला हो तो हमारे अपने मन को समझाना भी होगा। मैं कई बार आप इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, कई बार ऐसे वाक्य आए हुए हैं जब हमारे खुद के कारण कहीं ना कहीं ट्रैफिक जाम हुआ, हमारे जल्दी निकलने से, हमारे गलत निकलने से, हमारी गलत जगह से वाहन खड़े करने से बगैर वगैरह कारणों से, लेकिन इसके बाद यहाँ पर ट्रैफिक की समस्या कम हो, मेट्रो का डीपीआर बन चुका है, उसका काम शुरू हो रहा है, मेट्रो के चलने से एक बहुत बड़ी ट्रैफिक की समस्या दूर होगी, लगभग 14 चौराहे स्मार्ट चौराहे बनाए जा चुके हैं। मुझे बड़ा अजीब लगता है कि जब मैं विजयनगर चौराहा पहले जाता था, बड़े चौराहे पहले जाता था तो मैं जाम में फंसता था, नहीं फंसता हूँ, क्यों? क्योंकि हमारे कानपुर के स्मार्ट लोगों ने अपनी स्मार्टनेस को इन दो चौराहों पर दिखाना शुरू कर दिया है, अर्थात वहाँ लगे हुए कैमरों के संकेतों को मानना शुरू कर दिया, तो वहाँ पर ट्रैफिक का जमाव या जमाना कम हो गया है। सरकार अपने स्तर से प्रयास कर रही है, लोगों को अपने स्तर से प्रयास करना होगा, लोगों को अपनी आदतें सुधारनी पड़ेंगी। मैं ये सबके लिए बात नहीं कह रहा, मैं कुछ लोग नहीं कह रहा हूँ,
कुछ लोग ऐसे नहीं कि अपनी आदत नहीं सुधारना चाहते, सुधारना चाहते हैं। जब ये लोग किसी अन्य दूसरे देश में जाते हैं, यहाँ तक कि मैं दिल्ली में जाते हैं, तो अचानक नोएडा से निकलते दिल्ली में किया तो सुधार आ जाता है, वो स्मार्ट होते हैं। मेरा गुजारिश है कि अपने शहर को दिल्ली बनाने के लिए आप स्मार्ट बने, आप सहयोग करें और ट्रैफिक की समस्या हम सब मिलकर अपने सीमित साधनों में ठीक करने का प्रयास करें। आपके जो क्षेत्र है उसमें तीन जिले आते हैं, कानपुर नगर, कानपुर देहात और उन्नाव। इन तीनों जिलों के लिए अभी तक आपने कोई विशेष योजना या विशेष कार्य किया? इन तीनों जिलों के लिए हमारे लिए प्राथमिकता पर रहते हैं, यहाँ के स्नातक लोगों के लिए मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है और मेरे लिए सबसे अहम पहलू ये था। मेरे चुनाव जीतने के बाद लोग एमएससी नहीं जानते थे, एमएससी का काम क्या होता है। मैंने प्रयास किया है छोटे से कार्यकाल में लोग जाने के एमएससी का काम क्या होता है और मेरी जन्मदिन कामयाबी हुआ इसे मैं कह सकता हूँ। इन तीनों जिलों के लिए हमारे जो बेरोजगार मित्र हैं उनके लिए उनके रोजगार कार्यालय वहाँ ठीक से काम हो, यहाँ की यूनिवर्सिटी, यहाँ के शिक्षा संस्थान है, यहाँ के अन्य कमर्शियल स्थान है, प्राविधिक शिक्षण संस्थान है, वहाँ पर उनकी नियमानुसार काम जल्दी हो, अच्छे हो, यहाँ की जो कचहरी हो वकील है। और इन तीनों जिलों में पहली बार लोगों को ये एहसास हुआ है कि स्नातकों के भी सुख दुख में उनके कामों के लिए एक ऐसा प्रतिनिधि होता है, उनको पहली बार 99 साल बाद ऐसा एहसास हुआ। ये मेरे लिए बड़ी उपलब्धि है। तो विभिन्न प्रकार की समस्याएं लेकर भी आते हैं, कभी बड़ी मजेदार समस्या भी होती है, कभी गंभीर भी होती है, कभी अच्छी भी होती है। प्रयास करता हूँ शासन स्तर पर, केंद्र स्तर पर, जिले स्तर पर, वार्ड स्तर पर उनके चेहरे पर मैं किस प्रकार से मुस्कान लाऊं, कैसे उनकी समस्याओं के कुछ अंश को कम करता हूँ, यह प्रयास कर रहा हूँ और मैं प्रयास भी करता हूँ। अंत में जी हमारे aceuplife के दर्शकों के लिए कोई संदेश आप देना चाहेंगे? मैं aceuplife की सबसे पहले आपको बधाई देना चाहता हूँ। मैं इस चैनल को कई महीनों से देख रहा हूँ और शायद मैंने अभी तक इस चैनल पर किसी इंटरव्यू को नहीं देखा। आपने मुझे पहली बार अपने चैनल पर इंटरव्यू के लिए बुलाया, इसलिए मैं आपकी टीम को और आपको बधाई देना चाहता हूँ कि मेरी शुरुआत मेरे माध्यम से हुई। मैंने इसके चैनल को पहली बार देखा और मुझे धारा 370 5 अगस्त को आदरणीय मोदी जी ने पूरे देश को एक करने का काम किया। मुझे याद आता है इसके पहले कभी आपके चैनल ने 370 क्या होती है इसको समझाने का अपने दर्शकों को प्रयास किया था। ऐसे जो सामाजिक मुद्दे होते हैं, सामाजिक जो लोग शायद पॉजिटिवनेस कैसे लोगों के बीच में है, युवाओं के बीच में, इसकी बहुत बेहतरीन आवश्यकता है। इसको भी बहुत सरल शब्दों में समझाने का प्रयास किया। मैं नियमित रूप से आपका दर्शक हूँ और मैं जो यहाँ पे हमारे दर्शक इस इंटरव्यू को देखेंगे उसे कहना चाहता हूँ कि ये दिन को जो अच्छा लगता है वो अपनी रिक्वायरमेंट भी आपको बताए, बिल्कुल, जिससे कि आप उनके स्वाद के अनुसार अपने चैनल को दे पाए, अपडेट कर पाए। साथ ही साथ यदि उनको अच्छा लगे तो इस चैनल को एक बार अन्य लोगों के बीच में चर्चा जरूर करें। हमको मुझे ऐसा लगता है कि जब हमको कोई चीज़ खराब लगती है तो बहुत लोगों में चर्चा करते हैं और जब कोई चीज़ अच्छी लगती है उसको बहुत कम लोगों में चर्चा करते हैं। अपने भाव को इसको हटाकर हमें उल्टा करना चाहिए, जब अच्छी लगे तो खूब लोगों में चर्चा करें और खराब लगे कम लोगों में चर्चा करें। शायद ऐसा ही कोई संदेश गुरु नानक जी ने दिया था, तो वही बात मुझे यहाँ पर याद है। मैं दर्शकों को भी बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आभार इसलिए व्यक्त कर रहा हूँ कि मुझ जैसे राजनीतिक व्यक्ति को इस चैनल में बुलाकर आपके बीच में भेजा। मैं आज भी मानता हूँ कि मैं शिक्षक हूँ और राजनीतिक भी हूँ, मैं कभी अपने आप को 100% राजनीतिक नहीं मान पाया और ये शायद इसीलिए संभव हुआ कि मैं पहले शिक्षक था। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद अरुण जी। हम सब आपके उज्ज्वल राजनीतिक जीवन की कामना करते हैं। थैंक यू।